आप सभी को रचना मेहरोत्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पर, किसी फेस्टिवल पर या व्रत में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। हम देखेंगे रबड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। 1.5 लीटर दूध, 8-10 पिस्ता, 7-8 बादाम, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 कप चीनी। आइए गैस ऑन करते हैं और रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दिया है और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध बॉईल हो गया है। अब हम रबड़ी को नीचे से कढ़ाई में से लगातार खुरचते हुए दूध के आधा होने तक पकाएंगे। तेज गैस पर पकाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि दूध उबलकर ना बहे और नीचे से लगातार खुरचकर चलाएंगे। दूध बॉईल होकर अब आधा हो गया है। अब हम दूध को बीच में से इस तरीके से चलाएंगे और साइड में जो मलाई पड़ेगी उसको इस तरीके से कढ़ाई की दीवार से चिपकाते जाएंगे। पूरा दूध नहीं चलाएंगे, बीच में से चलाएंगे और साइड में जैसे ऊपर की लेयर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और मलाई पड़ जाएगी, ऊपर से हम उसको मलाई को इस तरीके से करके साइड कर देंगे। रबड़ी बनाने के लिए यह प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक कढ़ाई में दूध 250-300 ग्राम बचेगा, तब तक हम यही प्रोसीजर करेंगे। दूध भी अब एकदम गाढ़ा हो गया है। और 200 ग्राम करीब दूध बचा है। अब हम इसमें सारी चीनी मिला देंगे। गैस थोड़ी धीमी कर देते हैं। जब तक चीनी इसमें मेल्ट हो रही है तब तक हम पिस्ता और बादाम काट लेते हैं। 6-7 पिस्ते काट लेंगे, बहुत बारीक बारीक पिस्ते काटेंगे। पिस्ते कट गए हैं, अब बहुत बारीक बारीक दो बादाम काट लेते हैं। चीनी भी मेल्ट हो गई है और रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। अभी 2 मिनट ठंडी होने के बाद तब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। 2 मिनट हो गया, रबड़ी भी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब रबड़ी को इस तरीके से खुरचते हुए सब सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर आप अंदर चीनी के संग भी डाल सकते हैं और यदि नहीं भी डालना चाहें तो बिना इलायची के भी खा सकते हैं। बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे फ्रिज में रखिए, थोड़ी देर ठंडी करिए, उसके बाद ठंडी ठंडी सर्व करिए। ये बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसे बनाइए, खाइए और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। रचना मेहरोत्रा.com